दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे दसम ग्रंथ की कथा का विवाद गरमा जा रहा है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्र हरमीत सिंह कालका ने कथा के विरोध को एक साजिश दसिया। उन्होंने बयान जारी करद कहा कि दिल्ली कमेटी किसी को भी गुरुद्वारा साहब के बाहर माहौल खराब नहीं कर देगी। नाल ही उन्होंने कथा का विरोध करने वाले खिलाफ श्री अकाल तख्त साहब को पत्र लिख के कार्रवाई करने की अपील की है। मामला लगातार गरमांदा जा रहा है और इस नूं लैके हुण दिल्ली कमेटी ने कहा है कि गुरुद्वारा साहब के बाहर माहौल नूं खराब करन नहीं दिता जाएगा। देखो, गुरुद्वारा बंगला साहब पहली तरीक तो दसम ग्रंथ की जिहड़ी व्याख्या बाबा बंता सिंह होणां नूं असीं बेनती कीती सी कि तुसीं शुरुआत करो उहदी, और उन्होंने पहली तरीक तो इहदी आरंभता कीती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, पूरी टीम ने अपना जिम्मेवारी समझते हुए असी बाबा बंता सिंह जी उन्होंने बुलाया और पहली तरीक तो उन्होंने कथा शुरू की। साढ़े को कुछ लोग आए, 5-7 लोग सी, उन्होंने आके गल की जी कि तुसी इहदे उत्ते कथा ना कराओ। जिथे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल हमेशा श्री अकाल तख्त साहब के सोच के उत्ते, उन्होंने हुक्म से पैरा देंदी आई है, असी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उत्थे उन्होंने लिखित रूप के कंप्लेंट भेजी है साढ़े धर्म प्रचार विंग वालों। मैं समझदा एफओजे पंत धोखिया के खिलाफ श्री अकाल तख्त साहब नूं भी सख्त तो सख्त कदम चुकने चाहिए।